हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से है। दोस्तों, इन्होंने जियोलॉजी के लिए आवेदन मांगा है। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन मांगा हुआ है। यदि कोई जियोलॉजी से है तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ही अटैच किया है, तो इस फॉर्मेट के अंदर ही आपको सब कुछ ऐड करना होगा। तो सबसे पहले इन्होंने नाम पूछा है, और दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसके राइट के अंदर अटैच करनी होगी। अपना नाम लिख दीजिएगा, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। आप किस रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि यस तो लिख सकते हैं। और आपने कौन सा एग्जामिनेशन लास्ट पास किया हुआ है, मास्टर डिग्री लिख सकते हैं। और बीएससी डिग्री से आगे जो भी आपकी डिग्रीज हैं वो सभी की डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। और नीचे दिया हुआ है कि क्या क्या ऐड करना है इसके अंदर, परसेंटेज, मार्क्स वगैरह जो भी है। और जिन्होंने नेट, सेट, गेट ये क्वालिफाई किया हुआ है, एमटेक, एमफिल, तो वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। पास किया था वो सभी डिटेल्स वगैरह लिखनी है आपको। और आप एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। और यदि एम्प्लॉयमेंट में है तो किस पोजीशन पर है, ये सभी डिटेल्स लिखनी होगी। और आपका एमएससी, एमटेक, एमफिल के अंदर क्या डिसर्टेशन के अंदर या थीसिस के अंदर क्या टाइटल था वो सभी लिखना है। और आपको ये सेपरेट एनक्लोजर भी लगा सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। पूरा रिसर्च प्लान लिखना है आपको, जिस भी रिसर्च प्लान के अंदर आप जाना चाहते हैं। तो और ये फॉरवर्डिंग बाय विलिंग सुपरवाइज़र, तो यह है फॉरवर्ड करवाना होगा सुपरवाइज़र से एक लेटर के ऊपर। वो आप एक बार इनसे कंफर्म कर लीजिएगा जब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाए फॉर्म सबमिट करवाने के लिए। इनका अलग ही प्रोसीजर रहता है, ये पहले से ही सुपरवाइज़र पता नहीं क्यों करते हैं एडमिशन होने से पहले, ये बाद का वैसे प्रोसीजर होता है। आगे आपको अपना सिग्नेचर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ ये लिखना है। और आपको 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। दोस्तों, ये आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से करनी है। ये कैसे करनी है वो भी हम आपको दिखा देंगे आगे। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर शेड्यूल बताया है, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 9 सितंबर लास्ट डेट बताई है। ये यहाँ पर 9 सितंबर को ये जो भी रिटर्न टेस्ट के लिए अपीयर होंगे उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो आपको 9 सितंबर से पहले पहले यहाँ पर सब फॉर्म सबमिट करवाना है, ताकि ये आप 7 सितंबर तक इसके अंदर सबमिट करवा दीजिएगा, ताकि ये लिस्ट निकाल देवे आपकी भी 9 सितंबर तक। और दोस्तों, 9 सितंबर को ही आपकी लिस्ट निकाल दी जाएगी, ये लिखा भी हुआ है। और दोस्तों, साथ में रिटर्न जो टेस्ट होगा आपका वो 10 सितंबर को होगा 12 से 2:30 बजे तक, और रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आपका 11 सितंबर को आ जाएगा। और 12 सितंबर को इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जिन्होंने नेट, गेट, स्लेट, एमफिल, एमटेक है उनको रिटर्न टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उस बाद में रिजल्ट जो होगा नोटिस बोर्ड पर आ जाएगा और या वेबसाइट पर आ जाएगा। और टोटल 30 सीट्स के लिए यह आवेदन मांगा गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इन्होंने बताए हुए हैं। ये रिटर्न टेस्ट जो लिया जाएगा वो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के द्वारा लिया जाएगा। और जिन्होंने नेट, गेट, स्लेट, एमफिल, एमटेक पास की हुई है तो उनको यहाँ पर अपीयर होने की जरूरत नहीं है दोबारा रिटर्न टेस्ट के अंदर, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है, जिसके अंदर कि ग्रुप ए और ग्रुप बी रहेगा। ग्रुप ए के अंदर 10 मार्क्स का रहेंगे, ये 1 ब्रॉड एरिया ऑफ क्वेश्चन आएगा 250 वर्ड का। बाकी जो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, तो ये आपको आंसर देने हैं। सिलेबस जो रहेगा वो MSc का रहने वाला है, MSc अप्लाइड जियोलॉजी का। और जो भी कंटेंट पास आउट रहेंगे तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जिन्होंने ये एग्जेम्प्टेड डिग्री है उनका भी लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। बाद में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराने होंगे, जो भी प्रोसीजर है क्या आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा, जो कि इंटरव्यू के टाइम पर ही वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों, ये है इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अब हम आपको पेमेंट किस प्रकार से करनी है वो भी दिखा देते हैं। दोस्तों, ये SBI कलेक्ट की वेबसाइट है, और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, जो कि हमारी वेबसाइट का लिंक होगा। वहाँ पर आप ये इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे डायरेक्ट, और ये फॉर्म नोटिफिकेशन देख पाएंगे, और ये SBI कलेक्ट की पेमेंट भी कर पाएंगे, और अन्य ऑनगोइंग फॉर्म भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस पेज पर आ जाएंगे, तब आपको यहाँ पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी सर्च करना है डायरेक्ट। दोस्तों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी सर्च करने पर दोस्तों यहाँ पर अभी ऑप्शन आ नहीं रहा है, शायद इन्होंने रिमूव कर दिया है आपको अपने आप को SBI कलेक्ट के पोर्टल से। तो दोस्तों, एक बार इनसे कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जितनी भी पुरानी वीडियो दिखाई है वहाँ पर आपको पेमेंट का दिख जाएगा कि हमने किस प्रकार से पेमेंट करके दिखाई है। तो दोस्तों, इसके अंदर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, सर्च में कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है। तो आप इनसे कंफर्म कर लीजिएगा, या आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ के कैश काउंटर पर ही पैसे जमा करवा सकते हैं, आपके 100 रुपीज़ की पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।